महेंद्रगढ़ के पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित स्पेशल टीम ने चोर गिरोहों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ये गिरोह गांव में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों को निशाना बनाकर उसमें रखे सामान को चुराता था। चोर गिरोहों ने पुलिस पूछताछ में अनेक वारदातों को स्वीकारा है। महेंद्रगढ़ क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही थी। वहीं गाँव में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों से भी चोर अनाज और अन्य सामान को चुरा लेते थे। महेंद्रगढ़ कनीना अटेली क्षेत्र में लगातार पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि गांव में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस की स्पेशल टीम ने इस मामले की जांच शुरू की तो गिरोह के दो लोगों को धर दबोचा गया, जिन्होंने अटेली, कनीना, महेंद्रगढ़ व नांगल चौधरी क्षेत्र में अनेक वारदातों को अंजाम दिया है। इन चोरों से पुलिस ने अनाज व कई गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। पुलिस अभी इनसे और गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इनसे और वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। आज की ये प्रेस वार्ता है, सीआई स्पेशल स्टाफ महेंद्रगढ़ में रखी गई है। इसका मेन उद्देश्य आप लोगों को सूचित करना है कि पिछले दिनों जो चोरी की वारदातें हो रही हैं उसमें माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार स्पेशल स्टाफ महेंद्रगढ़ जो सब इंस्पेक्टर अनिल है उसकी अध्यक्षता में दो आरोपी हैं, नरेंद्र उर्फ ढिल्लू सन ऑफ बलबीर, आलमपुर का रहने वाला है, हाल पड़तल, और दीपक उर्फ जोनी सन ऑफ हरिओम, ये पड़तल का रहने वाला है। इन दो आरोपियों ने अटेली थाना क्षेत्र में पड़ने वाली जो गांव हैं उनमें 5 वारदातों को अंजाम दिया था। इन 5 वारदातों में जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है, ये आंगनवाड़ी में चोरी करते थे और जैसे वहाँ सिलेंडर और वीट गेहूँ रखी होती है उसको चोरी करके लेके जाते थे। 5 वारदातों को इन्होंने वहाँ अंजाम दिया था। जो ड्यूरिंग इंटरोगेशन अब इनको दोबारा प्रोडक्शन पे लिया गया है। 4 वारदात कनीना क्षेत्र की इन्होंने कबूल की है और इसके अलावा इनसे गहनता से पूछताछ जारी है। उस पूछताछ में सदर महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी की भी कुछ इसी तरह की सिमिलर वारदातें हैं जिस बारे में गहनता से पूछताछ जारी है। 5 मुकदमों में ये गिरफ्तार होके जेल में जा चुके हैं और 6 मुकदमे में आज ये ऑन प्रोडक्शन है। और इसमें टोटल रिकवरी जो अब तक हुई है इन 5 मुकदमों में जो अटेली क्षेत्र से 5 गैस सिलेंडर रिकवर किए हैं पुलिस ने और 1.5 क्विंटल के करीब गेहूं जो इन्होंने चोरी किया था वो रिकवर किया है। इन दोनों की टोटल मालियती इनकी जो वैल्यू है लगभग 12,500 के करीब की इनकी वैल्यू है। और इसके अलावा जो 2 मोटरसाइकिलें हैं इन्होंने वारदात में प्रयोग की थी वो भी इनके पोजीशन से पुलिस ने ऑलरेडी रिकवर की है। इन दोनों को ये अभी पुलिस रिमांड पे है। फर्दर एक और केस में जिसमें इन्होंने डिस्क्लोज किया है उस केस में इनको इनका मतलब प्रोडक्शन पे लेके इनका रिमांड सीख किया जाएगा और इनसे और गहनता से पूछताछ की जाएगी जिससे हमारे क्षेत्र में जो होने वाली वारदातें हैं उन बारे और खुलासा हो सके। अभी तक मैं आपको बता चुका हूं, अभी ये टोटल 5 वारदात अटेली की हैं और 4 वारदात कनीना की है जो इन्होंने इनिशियल इंटरोगेशन में बताया था उसी में इनका रिमांड सीख कर रहा है। पर जिस तरह के आप द काइंड ऑफ यू नो क्राइम दे आर इन्वॉल्व ना, ये आदतन अपराधी हैं लगातार। इसमें से कुछ जो क्राइम है 2019 का, 20 का, 21 का है, तो लगातार ये कर रहे हैं तो ये आदतन अपराधी हैं। ऐसे अपराधी से बार बार पूछताछ करके जो सच्चाई है वो सामने आती है प्लस रिकवरी भी हमें इफेक्ट करनी पड़ती है और वो एक अनुसंधान का विषय है। अभी जैसा मैं बता चुका हूँ कि इन्होंने जो वारदातें कबूल की हैं ये बेसिकली अटेली एंड कनीना थाने के अंतर्गत पड़ने वाले गांव हैं जहाँ पे आंगनवाड़ी है। आंगनवाड़ी का क्या बेसिकली सेक्लूडेड जगह पे होती है, वहाँ पे वारदात ये करके चले जाते हैं। पुलिस प्रेजेंस इतनी, जैसे हमारे पास पुलिस है तो एक लिमिटेड प्लेस तक हम पुलिस प्रेजेंस दिखा सकते हैं, ये वारदात को अंजाम देके निकल जाते थे। और बाकी इसके अलावा महेंद्रगढ़ सदर और नांगल चौधरी के एरिया में भी इसी तरह की वारदातें उन बारे गहनता से पूछताछ जारी है। इनके इन्वॉल्वमेंट आने पर इनको नियमानुसार शामिल जाँच करके माननीय न्यायालय में पेश किया जाए।